Good morning, sir. I am Priya, and my project is on instant messaging server using OpenFire and Sparks, and guided by Professor Khusari ma'am and external guide Chirag sir. Instant messaging services bring. Yes, keep the basic. I am more interested in what you have done. So, sir, direct screenshots, ma'am. Okay. Introduction. Yeah, I know the introduction. Yeah, so you know what Spark? You have studied Spark. Spark is a server. Hai. Oh, messaging server. Messaging server. Hai. Yes, sir. Sirf messaging ke liye use hota hai ki aur kisi cheez ke liye use karoge? Sir, suppose koi badi company hai, to usme employees hai, to ye easy hai, easy padta hai sabke liye. So. Okay, move ahead, Sparks. I'll ask you directly some of the questions. Move ahead, Sparks. Introduction is fine. Next slide. Next slide. Sparks or OpenFire, दोनों के लिए अलग-अलग है. तो you used both Sparks and OpenFire? Yes, sir. दोनों use किया तुमने? हाँ. Okay. तो की कौन सा functionality you used from Spark and which functionality you used from OpenFire? Functionality? आपने messaging में Sparks में से क्या-क्या use किया और OpenFire में से क्या-क्या use किया? Sir, OpenFire में सब configuration करना था और वो Sparks के साथ connected है. तो OpenFire में सब configuration किया और यहाँ पे messaging का part आता है Sparks में. So what kind of configuration? Screenshot. OpenFire. Screenshot. Sir, first तो हम port 9090 support करता है, तो हम उसमें गए और फिर admin console होता है और उसमें हमने language setup किया और उसमें फिर domain name और host name डालके next करना है. फिर यहाँ पे database setting में automatically यहाँ पे connected होगा, तो हमें continue करना है. अगर नहीं हो तो नहीं हो तो हमें करना है यहाँ पे सर क्लिक करना है यहाँ पे. So these databases you have to configure first in your OpenFire and connect MySQL sir. MySQL database is MySQL. Yes sir. Okay. और उसको deploy कहाँ करोगे database को? Database कहाँ पर है? Suppose it is MySQL. MySQL हाँ है, सर. पर डेटाबेस है कहाँ पर? फिजिकली वही मशीन में है कि और कोई मशीन में? नहीं सर, वही मशीन. और कोई मशीन में हो तो क्या कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? कनेक्ट कर सकते हैं सर. ओके, गो अहेड. देन सर, ये पेज नेक्स्ट पेज ये आता है डेटाबेस स्टैंडर्ड कनेक्शन फॉर कनेक्टिंग द डेटाबेस. डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी पड़ेगी और उसमें यूजर नेम और पासवर्ड जो MySQL का है वो डालना पड़ेगा हमें और फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा. और उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग में आता है, उसमें जो डिफॉल्ट यहाँ पे है वो हमें डिफॉल्ट ही करना है और फिर कंटिन्यू करना है. और उसके बाद सर एडमिन अकाउंट का पेज आता है, उसमें हमें जो करंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में करंट पासवर्ड सपोज हमने सेट नहीं किया तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है तो वो हमें राइट करना है. और उसके बाद हमें इंस्टॉलेशन और हमें जो पासवर्ड डालना है वो हम डाल सकते हैं सर. और फिर यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेटअप हो गया और उसके बाद यू नॉट सेट द पासवर्ड सिस्टम विल ऑटोमेटिकली फॉर वो ले लेगा जो हम सेट नहीं करते. तो आफ्टर डूइंग दी ऑल दी सेटअप देयर इज अ मैसेज सेटअप कंप्लीट. ओपन फायर का सेटअप सब कंप्लीट हो गया सर. और ये है कंसोल, हमने जो पासवर्ड डाला और ये यूजर नेम हमें डाल के फिर लॉगिन करना है और वो हमारा स्पार्क्स वाला सर फिर ओपन होगा. वो है स्क्रीन्स, डू यू हैव स्पार्क्स का स्क्रीन्स? सर वो उस टाइम मेरा सर्वर क्रैश हो गया था. हाँ सर. सो व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस कैन बी ऑफर्ड टू द यूजर्स?
कॉन्फिगर करने के बाद उसमें प्राइवेट चेक करके वो आता है, उसमें हम ग्रुप बना सकते हैं। सपोज के कोई कंपनी है तो सब एम्प्लॉयज को हम वो ग्रुप में डालते हैं, वो प्राइवेट चेक फिर हो जाता है। IRC जानते हो आप? IRC इंटरनेट रिले चेक। So it is how people will come to know कि मुझे जैसे रिया पटेल से चेक करना है तो मैं कैसे करूँ? सर उसका हम नाम सर्च करेंगे और नाम सर्च करेंगे। हाँ वो ग्रुप में सब लोग होके तो उसमें फिर नाम आ जाएगा। Okay, study IRC if you are working something in check. Okay, what is your number? Sir 28 Riya. Hello, good morning sir. My name is Sneh Patel. My internship was in .NET framework at Baroda. My project is a VMGS management system. VMGS means Vacanza Marigold Society. Society ka yeh naam. Content mein introduction, project name, modules, database structure, entity data model, implementation details, published website, about tools and control. Full name is VMGS Vacanza Marigold Society. In society, secretary having some problem for taking check in that each and every person home personally he is going, and very time wasting like that problem facing. So he is solve that problem making one website, VMGS management system. Project name is make easy management society, easy to maintain budget and online transaction, save time for secretary and other person also. Modules may bank, it is done at that time admin side only. So module mein bank, member details, payment, receipt, society house, database structure mein data tables mein table bank, table member details, payment and table receipt or table society house, entity data model, entity bank ka relation payment ke saath one to many ka aur member ka member details ke saath one to many aur तो रिसीप्ट और सोसाइटी हाउस का मेनी टू मेनी है कहीं पर नहीं कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट है कि जहां पर तुमको सोसाइटी में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप नहीं मेनी टू मेनी उसको नहीं वन टू वन क्योंकि एक ही मेंबर है तो वो उसका एक ही कोई चेक होगा तो पेमेंट का एक ही हो सकता है वन टू वन का कोई एग्जांपल नहीं वन टू मेनी के ही एग्जांपल वन टू वन के इम्प्लीमेंटेशन में तो मेन पेज ऑफ वेबसाइट इसमें ये अभी तक एडमिन तक हुआ था तो टोटल हाउस कितने हैं और वो इधर डैशबोर्ड में दिखाएगा पेमेंट कितना टोटल रिसीप्ट और अभी कितना बैलेंस है सोसाइटी के पास और बैंक लिस्ट कोई नया मेंबर आया तो उसको पता नहीं है कि अपने एरिया के आसपास में कितनी बैंक है तो वो उसमें दिखा बैंक लिस्ट में पची कोई और न्यू बैंक ऐड करनी हो
कोई नई कुल तो उसमें ऐड हो सकती है, और मेंबर लिस्ट में कितने मेंबर्स हैं सोसाइटी में, और कोई नया मेंबर आया तो ऐड करने के लिए, पेमेंट में कितना पेमेंट हुआ, जो कोई पेमेंट देता है तो ग्रीन से अप होता है और ऐसा सिंबल, और रेड से वो ऐसे अलग कर सकते हैं, और ये रिसिप्ट का है, रिसिप्ट किसी को देने हो पेमेंट की, और सोसाइटी हाउस कोई नया हो तो उसमें ऐड करना हो, और सर ने सिखाया था कि पब्लिश कैसे करते हैं, ओवरव्यू दिया था, और कैसे कनेक्ट डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट किया था, फाइल जिला से सर ने किया था, अभी सर्वर बंद, सर ने तो निकाल दी होगी वेबसाइट, और मोस्ट ऑफ विजुअल स्टूडियो यूज़ किया था, और फाइल कंक्लूजन लर्न फ्रॉम द वेल डिसाइड एक्सपर्ट ट्रेनर एंड लर्न हाउ कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रोफेशनली, सम कई जगह पे हम ऐसे भी करते थे, पर सर ने कैसे प्रोफेशनली कंपनी में जाओगे, तो ऐसा कॉलेज से किया था तो सर ने वैसा हमको सिखाया था। ओके, व्हाट इज योर नंबर? 29। जो भी टेक्नोलॉजी है उस पर वो एप्लीकेशन सब वगैरह बनाती है, और हमने हमारी इंटर्नशिप में एक टू डू लिस्ट वेब ऐप बनाई थी वन पेज की, जिसमें हम टेक्नोलॉजी करंट टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें सजेस्ट की थी कि रिएक्ट जेएस आप यूज़ करो, जो भी समर इंटर्नशिप के टाइम में ट्रेंडिंग थी, तो हमने रिएक्ट जेएस में की थी टू डू वेब बनाई थी। तो रिएक्ट जेएस बेसिकली फ्रंट एंड मतलब कि यूआई पार्ट होता है वो अच्छा परफॉर्म होता है, और नोड जेएस में बैक एंड पार्ट अच्छा परफॉर्म होता है। तो पहले हमने रिएक्ट जेएस में काम करना शुरू किया था। वीरेन ने जैसे बताया कि टू डू लिस्ट में जो रिएक्ट जेएस हमने यूज किए वो वन पेज की एप्लीकेशन है, उसमें हम डेली के टास्क वो सब इजीली ऐड कर सकते हैं, और जो भी फंक्शनलिटीज वो आगे पीपीटी में दिखाई है। ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है हमारे जो भी रिएक्ट जेएस हो, और ये सिंपल फ्लो चार्ट है, क्योंकि वन पेज की वेब ऐप थी इसलिए ये सब फंक्शंस है हमारे एप्लीकेशन में यूज होते हैं। ये सब फंक्शनलिटीज है, वी कैन ऐड आइटम्स, रिमूव, एडिट, क्लियर टास्क, कंप्लीट टास्क और इनकम्प्लीट, ये सब सेव होता है। सो जैसे कि हमने बताया कि हमने रिएक्ट जेएस में बनानी शुरू की थी, तो ये फर्स्ट लुक है, जैसे कि यहाँ पे हम डालते हैं, फिर ऐड आइटम, ऐड टास्क करते हैं, तो वो कुछ इस तरह दिखाता है। अगर फिर हमने एक इम्प्रोवाइज किया था कि
टास्क का स्टेटस कौन सा होगा, कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट, बाय डिफॉल्ट ये इनकम्प्लीट होगा, सो ये इनकम्प्लीट के लिस्ट में आ जाएगा और लाइक दिस। और जैसे कि यहाँ पे असाइनमेंट वन और रीडिंग नॉवेल जो जो कंप्लीटेड है सो वो कंप्लीटेड के लिस्ट में आ जाएगा, और एफ पी प्रैक्टिकल फोर इनकम्प्लीट है तो उसके लिस्ट में आ जाएगा। और एक और फंक्शनलिटी है कि क्लियर ऑल टास्क, वो क्लिक करेंगे सो सारे टास्क सब निकल जाएंगे, और वो क्या बोलते हैं वो दो जो लिस्ट थे कंप्लीट और इनकम्प्लीट वो भी निकल जाएंगे। सो फर्स्ट 20 डेज में हमने रिएक्ट जेएस में काम किया था, देन हमने उन्होंने सजेस्ट किया कि बेसिक तो सब हो गया है, अब तुम नोड जेएस, जैसे कि बताया बैकएंड अच्छा होता है उसमें, तो हमने नोड जेएस सीखना चालू किया। उसमें हमने डेटाबेस मेंटेन किया था नॉर्मल एक, उसमें मैंने प्रैक्टिकल 9 एंड बॉस किया थी जो कि हमने यहाँ ऐड किया था, वो डेटाबेस में कैसे ऐड होता है वो हमने देखा। एक्सियोस में कैसा कि रिएक्ट जेएस का फ्रंट एंड पार्ट बहुत बेटर है और नोड जेएस का बैक एंड पार्ट बेटर है, तो दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक्सियोस सिस्टम यूज करते हैं, वही हमने मींस ओवरव्यू लिया था उसका। सो आफ्टर 30 डेज में इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी, सो लास्ट में हमने एक्सियोस क्या है उसके बारे में पढ़ लिया था, ओवरव्यू ले लिया था, इंप्लीमेंट नहीं किया था उसका भी। और ये इंटर्नशिप में हमारे मेन तो टेक्निकली कैसे वर्क करते और ये रिएक्ट जेएस हमको एक टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं करने को मिली और कैसे वर्क करते, एनवायरनमेंट कैसा होता है टेक्निकली, अभी तो हम फोर्थ सेम के बाद कंप्लीट इंटर्नशिप की थी, तो एनवायरनमेंट इंडस्ट्री का कैसा होता है, आईटी इंडस्ट्री का, वो हमको अच्छी तरह से जानते। अभी व्हाट नेक्स्ट इन दिस, आर यू विलिंग टू वर्क इन जावा और जावा साइड? नहीं सर, सो बेसिकली हमें ऐसा था कि मैं बिग डेटा का स्टूडेंट हूँ, सो मुझे उसमें करना था, लेकिन अब हमने ये सिलेक्ट की कंपनी और हमने उसमें एक टेक्नोलॉजी रिएक्ट जेएस की और हमने उसके बारे में सीखा और एक एप्लीकेशन सिंगल पेज एप्लीकेशन हमने इम्प्लीमेंट किया। एंगुलर जेएस हम बताएं It is there.
guys, you're the last one from MA, right? You pass me the censure. Give me the censure. Good morning, I'm Chaudhishwar Singh. I'm Karan Kumar Agrawal. My name is Abhishek Tiwari. And we have done sentiment analysis of Twitter using Python Flask under our summer internship. So basically, Python Flask was something new for us. We have never been used these things. We have used to with Python in 7.4, but this library was something for using this web development. So first of all, what is this sentiment analysis? Sentiment analysis is basically a process of determining whether a piece of writing is positive, negative, or neutral. Suppose Google launches its Echo, Google Mini, and you want to know whether people are liking it or not. So what he will do, he'll by doing this, he'll extract like tons, like thousands of lakhs of tweets randomly from Twitter, and it will analyze it. And with this text blob and this TweetPy, basically it's uses as this used to extract the APIs of a Twitter, and it will show all the Twitter data to your code, and you can simply get a rough idea about your product from there. So why sentiment analysis? Same thing I have told you, that if any company launches any of its product and you want to know how good it his product is doing in the market, then he can simply analyze all the tweets or whatever product. Just by writing the product name, it will give. You have to do this product name and number of tweets you want to analyze, and it will give all the number of tweets that you have mentioned earlier, and it will tell you that out of this, suppose I analyze 100 tweets, it will tell you like 60 of them have been positive toward your product, and 40 of them are neutral, or 20 of them are neutral and 20 of them are negative. So if Twitter users are positive and Facebook users are negative, then probably the sentiment analysis will go wrong, right? Yes. It will go right only if you do on Twitter. So listen, I told you, sentiment analysis of Twitter, actually. Okay. It was lovely, so. Here basically we are getting a lot of random bits from overall all the world and about a particular topic, and we brought the writing in the form of pie chart and get the exact idea about how many people are positive or about the topic and how many of them are negative and how many of them are neutral about the topic. We used TweetPy for making the connection between Twitter and the Python class to get access the tweets from the Twitter. And we have used the text blob for processing the textual data and for the sentiment analysis purpose. We have used some programming languages, that is Python class, HTML, Bootstrap, and the template overloading in our project. Basically, template overloading is a function that is available in Python class, which reduces the length of a code very much. Like if my home section contains some sort of code and that same thing is being carried out in about and other pages, then we don't have to write all those same things. We can simply overload all these steps just by writing two or three lines. So basically 100 line of code can be converted into two or three lines. So it was very useful out there too. Where have you used Bootstrap? Bootstrap just for designing. Yes, sir. Our application is open source and user friendly, very easy to use, or free to use, and we produce the result in the form of pie chart. Any application that provide different features after storing data, that after identifying the data for data piece. Here in Python there are so many softwares for storing all credentials, but we use a SQL Alchemy to store all the sign up and login database. And there is flowcharts. We make our any website that starts, so our website is start sign up and login. If sign up all details are true, then sign up your details and write to database and save to database. And if false, then redirect to our sign up page. And after sign up, if users log in, then if login false, then it error exception and redirect to login page. If login is true, then it checking details and checking from database, and our website is for it. So users. Then our screenshot and our pie chart screenshot.
some of the how many numbers. Number of reads that you done this analysis? Maximum. We went up to 10,000. So a lot of things depend, like we need good internet connection and our system need to be that powerful. Or else it will extract like 1 to 2K tweets, then it will stop in between that and you have to run it again. So there are things that. And how do you decide on the parameters and attributes, like about the sentiments which are positive and sentiments which are other than words? Other than words. Yeah. So it is like, say, sometimes the words forecast, say the words probably are negative meanings it may have, but when it is combined with a sentence, then it will do the sentiment analysis of that particular sentence. Suppose if so, you have done it only for the phrases. Yeah, but we can do that for the sentences, but for not worth. Like if I want to know the reviews about any movies which has been recently launched, so I'll just write that movie name and it will extract all the random tweets and we'll get a rough idea whether it's good to watch or not. So we can make decisions on that. If you want to do the sentiment analysis of sentence, you can do it. Basically, in sentences, if I say this movie is awesome, so basically all the connective words will be removed and there is an inbuilt library in this which will automatically define some number to the words. Suppose excellent is a very positive word, so it will assign it 1. If I say good, it will assign it as 0.5 or something. So the numbers are defined how much to assign to any numbers. So who decides this number? It's in the whole library. Can I customize it? So we have to make changes to that library if you want to customize. Okay, tell me your numbers. So four, BD of 4. There will be difference. First CB, yes. First CB. Wait, wait, I wrote first CB. In yeah, in this list only. Roll number 2 CB. Yes, roll number 2. Abhishek, yes. Abhishek. Yes, sir, Abhishek. Roll number 50, sir. 50. 50. Current. Your name? Charneshwar. Okay. You can go. Yes. Thank you, sir. Now send Bhagesh. Bhagesh. Firstly, attach your PC to the floor.